अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि सुबह सुबह आते साथ ही मुझे इतनी बुरी न्यूज़ मिली है। न्यूज़ क्या, मैंने खुद ही देखा है, ये देखें। तो बिग लॉस हुआ है मुझे, सारा हमारा ये जो सेटअप था ये टूट गया किसी तरीके से। मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे ये हुआ है। सारी मटकियाँ टूट गई हैं और डव ने अंडे दिए हुए थे, अभी नए नहीं दिए थे, एक दो दिन हुआ था, वो भी टूट गए। पैरेट्स के अंडे भी नीचे पड़े हुए टूट गए। तो ऊपर वाली मटकियाँ लगी हुई है नीचे, और सारी की सारी मतलब के तीन मटकियाँ और एक जो डव्स वाला था वो, और तीनों मटकियों में अंडे थे, फीमेल्स बैठी हुई थी। तो ये सारा हमारा मतलब के टूट गया है। बहुत ज़्यादा मुझे अब वो हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं ख़त्म ही कर दूँ ये। और पिजन्स को मैंने खोल दिया, मुर्गे को भी मैंने खोल दिया, वो साइड पे घूम रहा है। साइड पे मैं रिंग नेक और हमारा जो मिट्ठू है उसको भी बाहर निकाला है। मिट्ठू को ऊपर ले आए थे मैं ताकि धूप वगैरह लगवा ले, इसका भी केज आज साफ़ करना है। पिजन सारे अंदर चले गए। कल वो जो हमारा ब्लैक कलर का जो बच्चा था वो चला गया था, वो भी वापस नहीं आया। कल हमने एक और पकड़ लिया है, फीमेल है, कबूतरी है, पकड़ी है, दिखाता हूँ मैं आपको। वो सामने बैठी हुई है, वाइट कलर की है ये जो थोड़ी थोड़ी ये वाली। पर मैंने इसके नहीं काटे, मैंने कहा अगर पक्की होती है तो ठीक है, नहीं तो बेशक चली जाए। काफ़ी ज़्यादा पिजन्स हो गए हमारे पास। और ये पिंक कलर वाली जो थी इधर लग बंद थी, इसको भी मैंने खोल दिया है। तो पिजन सारे थोड़े से बाहर आ जाए, इनको उड़ाते हैं थोड़ा सा। तो आज मैंने छत की साफ सफाई करनी है और केज भी साफ कर रहे हैं इनके। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसका अब क्या करते हैं, रखूँगा या सेल करूँगा या सेट करते हैं, अभी इसका सोचते हैं। पहले मैं बाकी छत वगैरह सफाई कर लूँ, फिर बर्ड्स को दाना वगैरह डालते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं कि छत की सफाई कर लेते हैं पूरी, उसके बाद फिर केज वगैरह की करते हैं। मुर्गा भी अंदर घुसा हुआ, उसको भी बाहर निकालते हैं, ये ना हो कि बच्चे वगैरह खा जाए। तो छत की सफाई कंप्लीट हो चुकी है। कचरा मैंने एक उस साइड पे इकट्ठा कर दिया है और एक वो पैरेट्स वाली साइड पे इकट्ठा कर दिया है। पिजन्स हमारे सारे अंदर हैं इधर, ये देखे दाना वगैरह खा रहे हैं अंदर छुप के। बाकी यहाँ पे कचरा इकट्ठा हो गया, ये जगह सफाई करनी है और अंदर से भी आज साफ़ करना है। तो जब तक पिजन्स उधर हैं तो मैं जो कॉलोनी है इनकी वो साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर पैरेट्स की तरफ चलते हैं। बल्कि उससे पहले मुर्गे का घर भी साफ़ करना है आज मैंने, वो भी करते हैं साफ़। और मुर्गा पता नहीं किधर गया, वो छाँव में बैठा हुआ है, ठीक है वो उसकी जगह ठीक है छाँव। तो स्क्रैपर अब ढूंढते हैं किधर है, मेरे ख्याल से अंदर उधर मैंने रखा था उस दिन। उठाते हैं और चलते हैं कॉलोनी में पिजन्स की, वो सफाई करके फिर हम बाकी काम करते हैं। आप लोगों को तंग करने नहीं आया, मैं सिर्फ स्क्रैपर लेने आया, फिर आप लोग इधर बैठ के बेशक खाते रहो, कुछ भी नहीं कहने आया आप लोगों को मैं। एक मिनट बस, मुझे स्क्रैपर लेके जाने दो, बस आप लोग बैठो इधर। तो स्क्रैपर मैंने उठा लिया है, पिजन्स ओहो डर के बाहर आ गए सारे। तो अब जल्दी से काम शुरू करते हैं। तो अंदर मैं आ चुका हूँ, दरवाज़ा ये वाला खोल देते हैं पूरा। तो जल्दी से काम शुरू करते हैं। अंदर से सफाई का काम कंप्लीट हो चुका है, बच्चे एक दफ़ा देख लेते हैं। माशाल्लाह से ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया, ये भी ठीक है। और ये वाला चुन्नू वन्नू भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब बच्चे वगैरह सारे ठीक हैं। ये एक फीमेल बैठी हुई है अभी तक। यहाँ पे जो अंडे थे वो मैंने उठा लिए, फेंक दिए, और जो इनके साथ एक एक अंडा ख़राब था बच्चों के साथ वो भी मैंने उठा लिए। बाकी केज की सफाई अंदर से हो चुकी है, अब बाहर से करते हैं जल्दी से। अंडे से मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि नया केज होगा तो उसमें ये अंडे दें, अभी फिर बच्चे छोटे होंगे तो फिर केज तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बस ये जो बच्चे हैं ये जल्दी से बड़े हो जाएंगे तब तक। तो अब बाहर का काम शुरू करते हैं। कॉलोनी मैंने अंदर और बाहर दोनों जगह से साफ़ कर दिया, पानी भी इनका चेंज करते हैं, पानी भी अभी साफ़ करते हैं। ये जो फीमेल बैठी हुई है ये हमने कल पकड़ी है, दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी है। कल मैंने नहीं देखी थी, आज मैंने गौर से देखी है, देखी बहुत ही प्यारी फीमेल है। तो चलते हैं बाहर, अब मुर्गा भी अंदर आ रहा है। तो आप क्या करते हैं कि चलते हैं मुर्गे वाली साइड पर, उधर की सफाई करते हैं। आज तो बहुत काम है, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा है। फिर जल्द इंतज़ार करें सारे दाने का, फिर यह कचरा भी फेंकना है। तो इस साइड पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ से ये कचरा उठाते हैं, फिर अंदर चलते हैं ये साफ़ करते हैं।
अंदर से भी मैंने सारा साफ कर लिया, ये जगह भी सारी साफ हो चुकी है, मतलब जो सफाई का काम तो सारा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ये पैरट्स कॉलोनी रह गई है। तो इधर सफाई की ज़रूरत नहीं है, इधर और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अभी करते हैं हम काम। मुर्गा ये मज़े से धूप लगवा रही है, देखें ये बैठा हुआ है। हेलो, और पिजन्स हमारे सारे ऊपर हैं। अब ऐसा करते हैं कि लवबर्ड को खाना डाल देते हैं, रिंगने को खाना डाल देते हैं, उसके बाद पिजन्स को दाना पानी डाल देते हैं। खाना वगैरह ख़त्म करके एंड पे कॉलोनी का काम करेंगे। तो खाना मैंने उठा लिया, खाना भी वैसे भी ख़त्म हुआ है और मुझे पता ही नहीं था कि खाना ख़त्म हुआ है। तो लवबर्ड और रिंगने को तो डाल के आते हैं, उसके बाद फिर बाकियों का चेक करते हैं क्या सिस्टम है। तो लवबर्ड को मैं जल्दी से डालता हूँ। लवबर्ड को मैंने खाना डाल दिया है, रिंगने को डालते हैं, फिर पानी भी लेके आते हैं, इनको डालते हैं। मिट्टू का केज भी मैंने साफ कर दिया है, अब रिंगने को दाना डालने लगा हूँ मैं। तो आज शाम को मुझे जाके खाना भी लाना पड़ेगा, शाम को ही नहीं बल्कि थोड़ी देर तक ही जाऊँगा, क्योंकि शाम को इनको डाइट डालनी पड़ेगी। तो रिंगने को मैंने दाना डाल दिया है, अब बारी है मिट्टू की। थोड़ा सा केज उधर कर देते हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो मिट्टू और रिंगने दोनों को मैंने डाल दिया है, अब ले आते हैं इनके लिए पानी, ठंडा ठंडा पानी डालते हैं। मुर्गा तो इधर ही सो गया है धूप में ही, तो इसको सोने देते हैं, तंग नहीं करते। पानी भरा हुआ था डब्बे में, तो ये जाके डालते हैं। रिंगनेक को तो डला हुआ है, मिट्टू को भी डला हुआ है, सिर्फ हमने लवबर्ड को डालना है। आ जाओ, ठंडा ठंडा पानी आ गया। तो पानी मैंने इनको डाल दिया, दाना भी डाल दिया है, और मुर्गे का डब्बा भी फुल कर देते हैं। और अब चलते हैं पिजन्स की तरफ, पिजन्स का पॉट धोते हैं, ताज़ा पानी डालते हैं उनको, और फिर उनको दाना डालते हैं जितना भी है थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम चलेंगे पैरट्स की तरफ। इसके साथ का बेबी पिजन कल चला गया, ये देखें, ये मेरे ख्याल से अब फीमेल रह गई, मेल चला गया, काफ़ी अच्छे थे ये। तो पिजन्स का पॉट धो दिया मैंने, और पानी इनको ताज़ा ताज़ा ठंडा ठंडा डाल दिया। गर्मी है अब काफ़ी, ठंडा पानी भी इनको अच्छा लगता होगा, पहले तो सर्दी थी। ये इधर ही सोया हुआ है, तो अब जितना सा दाना है वो मैं जाके पिजन्स को डाल देता हूँ ताकि खा लें, बच्चों को फीड वगैरह करवा लें, बाकी मैं ले आऊँगा। पिजन्स को मैंने दाना डाल दिया, तो जब ये खाते रहेंगे जब तक, और फिर चलते हैं हम इसकी तरफ। तो नज़र ही नहीं गई, वो देखें पिजन बैठा हुआ है एक नया स्टिक पे, जिसको कहते हैं शिराजी, बहुत ही प्यारा पिजन बैठा हुआ है। देखते हैं नीचे उतरता है कि नहीं, बहुत प्यारा है, ग्रे एंड वाइट कलर का है। जल्दी से नीचे उतरे तो इसको पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं आएगा कि भी नहीं। मूड नहीं लग रहा इसका आने का, तो थोड़ा सा अपने पिजन को छेड़ते हैं ताकि ये ऊपर जाके बैठे। तो मूड उसका लग रहा नहीं है मुझे कि आएगा, फिर भी थोड़ा ट्राई करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि उसको मूड नहीं आने का, तो हमारे पिजन उड़े हैं, तो वो भी साथ उड़ गया, दो तीन चक्कर लगाए, फिर वो उस साइड पे चला गया, सामने वाली साइड पे। तो बस मूड नहीं था तो नहीं आया। तो अब हम करते हैं एक आखिरी काम, जो हमारा रह गया वो है ये कॉलोनी का सेटअप करना, मतलब इसको सेट करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो बस अब चल रहे हैं कॉलोनी में, तो इधर का काम करते हैं स्टार्ट। स्क्रैपर भी अंदर रख लेते हैं, और मुर्गे को एक दफ़ा देख लेते हैं पता नहीं किस साइड पे गया है। हेलो मिस्टर, ये क्या, ये देखें उतरो, ये कपड़े हैं, नीचे उतरो, चल नीचे, कपड़े अभी धुले हैं और ये उनके ऊपर बैठा हुआ था। चल तुझे इसको गर्मी लग रही है, इसको मैं अंदर बंद कर देता हूँ। इधर बंद कर दिया, देखिए उसका मुंह खुला, गर्मी है काफ़ी बाहर, तो इधर पानी में ठंडा वगैरह रख दिया, कमरा भी गर्म है, तो ये इधर सही रहेगा। और पिजन्स हमारे सारे ये अंदर घुसे हुए थे, मैंने देखा नहीं, तो अभी इनको मैंने बाकियों को तो बंद कर दिया, अब ये इधर रह गए। बिल्ली के डर की वजह से मैं इनको बंद कर देता हूँ, तो अब जी इनके पर कटे हुए, तो चलो जब तक मैं इधर ही हूँ तो हम चलते हैं काम करते हैं, ये डिस्टर्ब बहुत करते हैं हमें। तो मुर्गा उनके ऊपर बैठा था, मैंने देखा ही नहीं, कपड़े गंदे कर दिए उसने सारे। तो अंदर मैं आ चुका हूँ, सबसे पहले ऐसे करते हैं कि जो मटकियाँ टूटी हैं उनको इकट्ठा करते हैं। भाई सारी मैंने कर दी है, दो मटकियाँ हमारी टूटी हैं और एक प्लेट टूटी है,
और दो मटके हमारे बिल्कुल ठीक बच गई हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि दोबारा से वो फट्टी लगाते हैं, मटकियां तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, तो मटकियां भी लगाते हैं दोबारा से। और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट भी इनके लिए दाना लेने, और थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये जो काम है ये मैं कर लेता हूँ। मैं आ चुका हूँ, तो अब जो इसको थोड़ा सा सेट करना है वो करते हैं, और जो पिजन्स बाहर हैं हमारे जिनके पर कटे हुए, मैं उनको सबसे पहले बंद करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे मार्केट जाना होगा तो फिर मुझे इनकी फिक्र पड़ी रहेगी। तो ये यहाँ पे ये सारे इकट्ठे हैं, इनको अंदर करते हैं। चलो ऐसे ऐसे सारे, चलो 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 अंदर। तो पिजन्स को मैंने बंद कर दिया है, एक ऊपर बैठा हुआ है बस, यही बाहर है, बाकी सारे मैंने बंद कर दिए। और अब ये काम जो है ये रह गया, उससे पहले ऐसे करते हैं कि मैं इनको दाना पानी डाल देता हूँ, ये काम तो फिर भी होते रहेंगे, तो इनका दाना ले आते हैं और पानी इनको डालते हैं, फिर मार्केट चलते हैं, वापस आकर फिर इनका काम स्टार्ट करेंगे। साथ में खाना भी ले आता हूँ और साथ इनकी कुछ चीज़ें वो भी ले आता हूँ। तो खाना मैं इनको डालता हूँ और पानी भी, फिर चलते हैं हम, ये चीज़ें मैं आके ठीक कर लूँगा। तो दाना इनको डाल देता हूँ थोड़ा सा, ये जितना दाना बचा हुआ था वो सारा ही मैंने डाल दिया है। और पानी के पॉट्स दो देते हैं, इनको पानी भी डाल देते हैं। इसलिए मैंने इनको एक ही पॉट में पानी भी डाल दिया, दाना भी डाल दिया, बाकी काम तो चलता रहेगा, वो करते रहेंगे। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।